that Islamophobia is rooted in racism. और racism क्या होता है कि जब आपकी जिल्द की वजह से आपको काम नहीं मिलता और आजकल ये हम racism को आम तरीके से समझते हैं और जब अब आपका नाम एक मुसलमान नाम होता है या आपकी बेटी ने हिजाब पहना होता है तो तकरीबन 85% chances कम हो जाते हैं आपको काम मिलने के लिए. कंप्यूटर में भी जब आप इंश्योरेंस करते हैं गाड़ी के और आपका नाम अगर कोई अंग्रेज नाम हो तो कम पैसे देने पड़ते हैं, आपका मुसलमान का नाम हो तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं. जब बोरिस जॉनसन खुल के कहता है कि निकाब पहनने वाली बैंक रॉबर्स की तरह हैं, जब एंड्रिया लेटसम ने मुझे खुद जवाब दिया कि ये एक फॉरेन इश्यू है, ये हमारे मुसलमानों की वैल्यू इस मुल्क में क्या है, हमें ये सोचना चाहिए मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या नहीं किया. उतनी ही जाने मुसलमानों ने दी थी वर्ल्ड वॉर टू में, उतनी ही जाने वर्ल्ड वॉर वन में भी मुसलमानों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने, इंडिया ने, सब ने दी थी. तो हमारे जो हकूक हैं इस मुल्क में किसी और से कम नहीं है और हमें ये फ्रेमवर्क चाहिए थी और मुझे बेहद खुशी है कि ये फ्रेमवर्क सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अडॉप्ट की है, वाहिद कंजर्वेटिव पार्टी ने नहीं की क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनली एक इस्लामोफोबिक पार्टी है.